नमस्ते, स्वागत है आप सबका अपना चैनल क्लीन भोजपुरी में। देखिए, आकांक्षा दुबे को लेकर जो है बहुत प्रकार की बात जो है वो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। कई तरीके का कारण जो है बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने क्यों आत्महत्या किया, क्यों आकांक्षा दुबे के साथ जो है इतनी बड़ी अवसाद, क्या कह सकते हैं, मतलब घटना तो है ही, घट ही गया है, लेकिन कई कारण जो है वो बताए जा रहे हैं। जैसे कि पुलिस रिपोर्ट में आप लोग को पता ही होगा, या जो लोग को पता नहीं है मैं बता दूं कि पुलिस ने वहाँ पे नोट्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया कि हाँ आकांक्षा दुबे ने क्यों सुसाइड किया, नहीं किया, या क्यों आत्महत्या की। इन सब चीज़ों के बारे में पुलिस ने बोला कि कोई भी ऐसी जो है सबूत या प्रूफ कहते हैं कि कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का माने तो कहा ये जा रहा है कि नहीं भाई, सो आकांक्षा दुबे जो थी कोई नोट्स जो हैं कुछ लीक के जो हैं वो मरी थी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जो एक बात आ रहा है कि आकांक्षा दुबे जो थे वो ड्रिंकिंग करती थी, मतलब कि नशा करती थी। और सबसे बड़ी कारण ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नशा भी एक कारण है आकांक्षा दुबे का लाइफ में ऐसा और इतना बड़ा जो है वो डिसीजन लेने के पीछे। तो नशा में मतलब ये नहीं कि नशा सिर्फ जो है बियर या अल्कोहल यहाँ तक सीमित था। बताया ये जा रहा है कि जैसे बॉलीवुड में आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग जो है बहुत भारी भारी जो है वो नशा करते हैं, तो उस टाइप का जो है वो नशा आकांक्षा दुबे करती थी। हालांकि ये सब चीज़ जो है वो पुष्टि नहीं किया गया है, चाहे तो ये चीज़ को जो है जहाँ पे वो रुकी है मैनेजर बता रहा है, होटल मैनेजर, या फिर जो कर्मचारी वहाँ पे काम करने वाले थे वो बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ थी। बताया ये भी जा रहा है कि जिस रात उनको घटना घटी, जिस रात उन्होंने ऐसा काम किया, उससे पहले भी वो जब होटल में आई थी, रूम में आई थी, तो नशे के हालत में ही आई थी। और दूसरी चीज़ एक तरफ देखिए तो बड़ी बड़ी सुपरस्टार हीरोइन जो हैं भोजपुरी की, इतना लंबा चौड़ा लिखी हुई हैं, जैसे वहाँ से कुछ न कुछ झलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो उन लोग को पता है, पता था पहले से। जैसे उन लोग लिख रही है, किसी के पास कोई पोस्ट की है कि मेरे पास SMS आया है, कोई पोस्ट की है कि मुझे बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो हैं ना तो समझा पाई ना कुछ कह पाई। ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े हीरोइन को इस चीज़ के बारे में पता था तो उनको पहले समझाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर वो समझाए भी होंगे उसके बावजूद भी है अगर समझ में नहीं आया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक और चीज़ है कि समर सिंह को लेकर लोग जो हैं वो लपेट रहे हैं कि समर सिंह के साथ ब्रेकअप हुआ। चलिए ठीक है, रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है, और रिलेशनशिप जो है ना ब्रेकअप नहीं जमा आदमी को तो होता है कि ब्रेकअप, चलो भाई ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप अगर किसी से रिलेशनशिप में हैं, अगर ब्रेकअप आप कर ले रहे हैं तो आप जो हैं से अपना जान ही दे देंगे। अगर ऐसा करने से जो है लव, अगर प्यार अगर मिल ही जाए तो सब सारा आदमी जान दे देगा, तो उसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान आपकी हुई, आप चले गए। अगर ये चीज़ फैक्ट है, अगर ये चीज़ सही है तो, और ऐसा भी है कि अगर लव के कारण आप जान दे दीजिए और दूसरा आदमी फंस जाए, उस पर FIR हो जाए या उसको कानूनी कार्रवाई मिले, तो अगर वो गलत रहेगा तब मिलेगा। ये नहीं कि हम आपसे ब्रेकअप कर लिए, आप जो है सुसाइड कर लीजिएगा तो फिर सोचिएगा कि फलाने आदमी को मिले, जो पब्लिक अभी भी सोच रही है। वरना सुशांत सिंह के केस में तो उनकी गर्लफ्रेंड को अब तक फांसी हो जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कई कारण जो है वो निकल के आ रहा है, इन सब कारणों पे जो है बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि, लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल जो है कोई अनाउंसमेंट किया नहीं गया है। और जब तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, किसी भी बात को जो है अभी तक जो है स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या कुछ है, जब तक पुलिस कुछ दस्तावेज नहीं खोलेगी। हालांकि पुलिस जुट चुकी है जांच में और वहाँ से अभी तक कुछ निकला नहीं है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि राजनीतिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब कुछ बातें थे, कुछ पॉइंट थे, मुझे लगा कि आप सब तक शेयर करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।